दोस्तों ये किस्सा पंज पीरां ते उन्हां दीआं पत्नियां दे नाल संबंधित है जिन्हां नूं कि पंज पीरां ने गुस्से विच आ के श्राप दे दित्ता सी अते उत्थे ही भस्म कर दित्ता सी। अबोहर शहर विच मौजूद हिंदू मुस्लिम आस्था दे प्रतीक पंज पीरां दी कहानी जिन्नी पुरानी है उन्नी ही दिलचस्प भी है। ये मन्या जाता है कि जदों उन्हां दीआं पत्नियां इत्थे गुस्से विच आ के बैठे पीरां दी देखभाल लई पहुंचियां तां पीरां ने उन्हां नूं श्राप दे दित्ता अते उन्हां नूं उत्थे ही भस्म कर दित्ता। हुण इक सदी तों भी वध समय तों हजारां लोक दूर दुराडे दे इलाकियां तों इत्थे सिर नवाउण लई आउंदे हन। हर वीरवार नूं इत्थे मेला लगदा है अते हर साल सौण दी 15 तरीक नूं मेला लगदा है। इतिहास दे अनुसार इस धर्मनगरी विच इक वड्डा टिल्ला हुंदा सी जिस नूं हुण थेह वजों जाणिया जांदा है। किसे समें इत्थे राजा अपू चांदनी दा महल सी जिस नूं आपू नगरी ते आपा नगरी कहा जांदा है। कहा जांदा है कि सूरजवंशी राजा आवा चांदनी तों बाद राजा हरिचंद ने गद्दी संभाली। राजा हरिचंद दी सिर्फ एक धी सी। आखरी समय राजे नूं कोढ़ हो गया अते शाही हाकमां दा इलाज भी बेअसर साबित होया। किसे ने राजे नूं सलाह दित्ती कि मुल्तान दे पंज पीरां दे घोड़ियां दा खून इस बीमारी दा इलाज कर सकदा है। जदों राजकुमारी नूं इस बारे पता लग्गिया तां उह सूरतगढ़ दे ठाकुर दी सहायता नाल पंज पीरां दे कोल गई अते उसने पंज पीरां दे कोलों घोड़े मंगे अते पीरां ने उस नूं घोड़े ना दित्ते। जदों पीरां ने उस नूं घोड़े ना दित्ते तां राजकुमारी धोखे नाल ही उन्हां दे घोड़े इत्थों लै गई अते इस कारण राजे दी बीमारी ठीक हो गई। पर कुछ समय बाद उस दी मौत हो गई। ठाकुर ने राजकुमारी नाल ब्याह करवा लिया ते आपू शहर विच रहन लग्या। पंज पीरां ने घोड़िया नूं वापस करन लई बार बार संदेश भेजिया पर ठाकुर अते राजकुमारी ने घोड़े वापस ना कीते। इस ते पंज पीरां ने अपनियां पत्नियां नूं उन्हां दे पिछे ना चलन दी सलाह दिंदे हुए घोड़िया नूं अपने नाल लैण लई आपू शहर आ गए अते टिल्ले ते डेरा ला लिया। लंबे समय बाद भी जदों पीर मुल्तान वापस नहीं परतिया उस दीआं पत्नियां उन्हां दी सलाह नूं नज़रअंदाज़ करदियां होईआं उन्हां दी देखभाल विच आपू शहर आ गईआं। जदों पंज पीरां ने अपनियां पत्नियां नूं वेख्या तां गुस्से नाल बेकाबू हो गए अते उन्हां नूं श्राप दे दित्ता उत्थे ही भस्म कर दिता। दूजे पासे राजकुमारी दे घोड़िया नूं वापस ना करन दी जिद तों नाराज हो के पीरां ने आपू शहर नूं तबाह करन दा श्राप दे दिता पर इस दा कोई असर नहीं होया। जदों पंज पीरां ने उन्हां दे ब्रह्म दर्शन नूं वेख्या उन्हां नूं पता लग्गिया कि उन्हां दे मामा अली बख्श अपनी अदिख शक्ति नाल आपू शहर नूं बचा रहे हन। इस उत्ते पीरां ने अपने मामे नूं श्राप दे दित्ता इस लई उह शहर छड्ड के चला गया। जिवें ही उह शहर छड्ड के चले गए आपू शहर उत्थे ही सड़ के सुआह हो गया। महल अते घर खंडर विच तब्दील हो गए। इन्हां पंज पीरां अते उन्हां दीआं कबरां इन्हां पंज पीरां अते उन्हां दीआं पत्नियां दीआं कबरां इत्थों दे लोकां लई सतिकार दा केंद्र हन। हर साल दी तरह इस वीरवार अते शुक्रवार मेले विच 50,000 तों ज़्यादा लोक मेले विच आउंदे हन। नाल ही इस मेले दी विशेषता है इस मेले विच निश्चित रूप ते मीह पैंदा है। इस बार भी अजिहा होया। इस दे बावजूद लोकां दे विश्वास दा दृश सी। इन्ना ही नहीं मीह कारण मौसम ठंडा हो गया ते
अजे स्थिति विच लोकां ने खाण पीन दा आनंद माणिया अते इह पंज पीरां दे नाम हन जिन्हां नूं लोक मत्था टेकदे हन। दाता बख्श, शेख बाबा फरीद सकरगंज, बहाउद्दीन जकरिया, लाल साहबाज कलंदर अते सैयद जलालुद्दीन। दोस्तों, जेकर तुहानूं इह जानकारी साडी चंगी लगी होवे तां वीडियो नूं लाइक अते चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करें।